अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। किस विषय को लेकर अभी आप एसपी कार्यालय आए थे? एसपी कार्यालय इसलिए आए थे कि हमारा मेरे साथ कर्णावत पुलिस चौकी ने मारपीट की। किन ने? जीवन सिंह। कौन लेंगे जीवन सिंह? ये पुलिस वाले ही है। अच्छा, तो किस बात को लेकर मारपीट की? वो क्या है कि मेरे भाई का लड़ाई झगड़े का जो भी काम था वो मेरे को मार कूट कर रही थी। अच्छा, कब करी थी आपके साथ मारपीट? परसों दिन। अच्छा, तीन दिन हो गए। फिर कि मैं ले जाके मैं बेल्ट से मारा हूँ। फिर अभी आपने क्या शिकायत की है? उनकी शिकायत की है कि मुझे न्याय दिया जाए। क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने आपको? उन्होंने कहा जाँच पहुँचा देंगे वहाँ पे और आपको उनके परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? संतोष पिता पुना जी मोगिया। विषय को लेकर अभी आप ये व्यक्ति को एसपी कार्यालय लेकर पहुँचे? मेरे कार्यालय पर एक संतोष भाटी जी जो है उन्होंने एक आवेदन प्राप्त हुआ था मेरे कार्यालय पर और मुझे बताया गया था उस आवेदन में कि इनके साथ में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये विकलांग है, साथ ही एक दलित परिवार से गरीब परिवार से है, तो मुझे इस चीज़ की विषय की चिंता हुई। मैं तत्काल इस संबंध में वहाँ के हाटुकलिया थाना प्रभारी से भी बात की, उनके संज्ञान में लाया और मैंने आज विषय एसपी साहब के संज्ञान में लाया और मैं मुलाकात हुई एसपी साहब से और इस संबंध में एसपी साहब ने एक जांच भी बैठाई है जो एसडीओपी और वहाँ के जो बागली के उनके संबंध में जांच निर्देश दिए हैं उनको। और मेरा ये मानना है कि अगर व्यक्ति संतोष भाटी इनके ऊपर कोई अगर प्रकरण है तो उसमें साक्षी को पेश किया जाए, अन्यथा अगर किसी और के अपराध के तहत में इनके ऊपर जो मारपीट हो रही है वो गलत है। किस विषय को लेकर मारपीट की? इनका मुझे बताया गया है कि इनका जो भाई है उसके द्वारा किसी महिला के साथ में विवाह किया गया है या किसी को लेके गया है, तो इसमें इनकी गलती नहीं है, इनके भाई की जो गलती है उसकी सजा उसे मिली जाए। मतलब जो दोषी कौन है चौकी प्रभारी जिनने मार दिया? हिमांशु पांडे जी हैं और जीवन सिंह जो वहाँ के पुलिस जवान है उनके द्वारा इनके साथ में अभद्र व्यवहार होने लगा। क्या आश्वासन दिया अभी एसपी साहब ने? तत्काल मेरे विषय को संज्ञान में लिया है और उन्होंने इसके संबंध में जांच के निर्देश। आपका नाम? सुनील वर्मा, शिवसेना जिला अध्यक्ष।